बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार स्नातक पास यानी ग्रेजुएट लड़कियों को 50,000 रुपये देती है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच स्नातक परीक्षा पास कर चुकी 33,000 लड़कियों को अब भी प्रोत्साहन राशि का इंतजार है, लेकिन अब लग रहा है कि उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन का मौका दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस खास पेशकश में हम सरकारी नौकरी और सरकारी योजना से जुड़ी खबर लाते हैं, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, तो आपने अभी तक अगर आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर दें। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक 1,37,000 लड़कियों को 50,000 रुपए मिल चुका है। पदाधिकारी बताते हैं कि हाल ही में 24,000 लड़कियों के बैंक खाते में कुल 120 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 30 सितंबर के बाद फिर से राशि भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय करेगा और जब सत्यापन हो जाएगा तब राशि का भुगतान विभाग कर देगा। पहले इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 की राशि दी जाती थी। 1 अप्रैल 2021 के बाद से बिहार के कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 की जगह 50,000 दिए जाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया। कुल 2,70,000 छात्राओं को 50,000 का भुगतान करने का लक्ष्य है। अब तक करीब 2,27,000 लड़कियों को 25,000 का भुगतान किया गया है। कैसे करना है आवेदन? आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार की ई पोर्टल पर जाना होगा, medhasoft.bih.nic.in पर जाकर आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो जल्दी से वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें और 50,000 पाएं। अभी के इस खास पेशकश में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।